लोकसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ के भाग संख्या 10 बूथ नंबर 10 जो मेरा गांव नाथराव है और मेरा खुद का ही बूथ है। मुझे सूचना मिली थी कि मतदान 7 बजे शुरू हुआ था और 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ तो उस समय हमारे मतदान क्षेत्र की मातृशक्ति महिलाओं जब वोट देने के लिए जा रही थी तो उनको मुख्य गेट पर रोका जा रहा था और वहाँ के सुरक्षाकर्मी ने प्रत्येक महिला मतदाता का घूंघट उठा करके और उनका जो आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड था उसका वो मिलान कर रहे थे। और वैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए 16 पहचान पत्र होते हैं लेकिन उनका हम 16 पहचान पत्र नहीं मानेंगे, केवल आधार कार्ड मानेंगे। तो जो आधार कार्ड नहीं लाए और दूसरे पहचान पत्र लाए उनको भी वापस भेजा और जो आधार कार्ड लाए उनका महिलाओं का घूंघट ऊपर कट के आधार कार्ड से मिलान कर रहे थे वो सुरक्षाकर्मी। तो महिलाओं ने कहा भाई ये हमारा जो आधार कार्ड है धुंधला है लेकिन है आधार कार्ड हमारा और हमारे यहाँ परंपरा रही है, संस्कृति रही है कि हम हमारा घूंघट रखते हैं, ये हमारे सम्मान का प्रतीक है इसलिए हम घूंघट नहीं उठाएंगे। उनके मना करने पर उनके साथ दुसार कर किया गया, दुरार किया गया। और इस प्रकार से जो सुरक्षा कर्मी होते हैं जो वो केवल मात्र कानून व्यवस्था के लिए और सुरक्षा के लिए होते हैं, इस प्रकार से आधार कार्ड और पहचान पत्र पूछने का उनका कोई ड्यूटी में नहीं आता है, वो तो पीठासीन अधिकारी करते हैं, लेकिन उनको वापस भेजा गया। ऐसी 50-60 महिलाओं को भेज दिया गया, कुछ मतदाताओं को भेज दिया गया। तो इसे आम मतदाताओं में गुस्सा था और 7 से 11 बजे के बीच केवल मात्र 10% मतदान ही हुआ था क्योंकि ये मतदान मेरा है, वहाँ पर मत प्रतिशत कम हो इसलिए एक ऐसी साजिश भी थी कि डराया जाए, धमकाया जाए, बंदूकें दिखाई जाए और यहाँ कम से कम मतदान हो। तो जब वो मतदाता गुस्से हो गए तो गुस्से में सारे मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया। बहिष्कार करने के बाद मेरे पास वहाँ के मतदाताओं का फ़ोन आया कि मतदान का बहिष्कार हो गया है। तो मैंने वहाँ उच्च अधिकारी, वहाँ के DYSP है, SP है, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने जाकर के उस सुरक्षाकर्मी को समझाया। अधिकारियों के समझाने के बाद में भी वो सुरक्षाकर्मी नहीं माने और इसी प्रकार से घूंघट उठा करके उनके चेहरे देख रहे थे और उनके मुंह में से शराब की बदबू आ रही थी। जब मुझे समाचार मिले तो हमने भी ये कहा कि मुझे भी वोट देने आना है और बहिष्कार हो गया था, मैं चाहता था कि मतदान वापस शुरू हो। तो मैं मतदान क्षेत्र में गया और जाते ही मैंने जब मुख्य गेट पे गया तो वही सुरक्षाकर्मी मुझे मिले और मुझसे भी पूछा गया कि आपका प्रमाण पत्र दीजिए। तो मैंने मेरे विधायक का पहचान पत्र दिया तो उन्होंने माना नहीं कि आप अपना आधार कार्ड बताओ। तो मैंने कहा आधार कार्ड मेरे पास नहीं है, ये मेरे विधानसभा का जो पहचान पत्र है वही मेरे पास है। तो इस प्रकार से वो भड़क गए कि नहीं आप नहीं अंदर जा सकते। तो मुझे भी रोका, मैंने कहा भाई मैं जा सकता हूँ और मैंने उनको थोड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि आप मेरे परिवार की महिलाएँ हैं, मेरे मतदान क्षेत्र की महिलाएँ हैं, इनके आप घूंघट उठा रहे हैं, आपको आइडेंटिफिकेशन देखने का, पहचान करने का अधिकार नहीं है, वो पीठासीन अधिकारी तय करेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये काम नहीं हो सकता, आप ही वापस जाइए। तो मैंने कहा मेरे को वोट देने दीजिए। थोड़ी बहस हुई और बहस होते ही उन्होंने मेरे के सामने बंदूक तान दी और बंदूक तानी तो मैंने थोड़ी नाराज़गी जताई, बस इतना सा वाक्य था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और इसको जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि जो वाक्य वहाँ पर हुआ है अगर किसी को भी इस वाक्य से ठेस पहुँची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने, मेरी कोई ऐसी सोच नहीं थी, मैंने तो मेरी सिर्फ नाराज़गी जताई थी कि हमारे महिलाओं के साथ इस प्रकार से अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हो। इस प्रकार से महिलाएं नाराज़ हो रही थी तो महिलाओं ने सारी जानकारी दी है और मैं ये मानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ गौरव सेनानियों का विधानसभा क्षेत्र रहा है और सबसे ज़्यादा सैनिक कहीं हैं तो विधानसभा में हैं। मेरे दादो साहब भी फौज में रहे हैं, मेरे दो काकू साहब फौज में रहे हैं, मैंने हमेशा हमारे सैनिकों का सम्मान किया है। सैनिक हमारे देश की धरोहर है और जो जब हम सोते हैं तो हमारे देश की रक्षा करते हैं और ऐसे गौरव सेनानी विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा सैनिक है, 4 बार लगातार यहाँ का सेवा करने का अवसर हमें मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है, इस धरती की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है और यहाँ के 100% जो पूर्व सेनानी हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं और हमेशा उनका सम्मान किया है और उनकी समस्याओं के लिए, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई हम लड़ते रहे हैं। तो इतना ही वाक्य था, और कोई आपको बात? सर, जब ये दुर्व्यवहार हुआ तो उस समय में कोई महिला सुरक्षा अधिकारी या महिला पीठासीन अधिकारी उपस्थित थी? वहाँ मुख्य गेट पर ये केवल सुरक्षाकर्मी थे और पुरुष सुरक्षाकर्मी थे, महिला सुरक्षाकर्मी भी वहाँ नहीं थी। तो इसके संबंध में सर, जब प्रशासन को सूचना आपके द्वारा दी गई कि महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है तो प्रशासन ने कोई महिला सुरक्षा अधिकारी को तैनात किया उसके बाद सहूलियत के लिए? नहीं, उनने जो अधिकारियों ने समझाया लेकिन वो माने नहीं।
और जब मैं वोट देने के लिए वहाँ गया और मैंने वहाँ हालात देखे, तो हालात देखने के बाद में वो पीठासीन अधिकारी भी इस प्रकार से कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी करण सिंह जी के वो रिश्ते में भाई लगते हैं बालू सिंह की जी, तो वो भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार मतदाताओं के साथ कर रहे थे। वोट परसेंटेज नहीं हो रहा था और वोट डालने नहीं दे रहे थे, तो मैंने शिकायत की और अधिकारी आए, हमारे उपखंड अधिकारी वगैरह सारे अधिकारी आए, जिला कलेक्टर शिकायत की गई, आईजी शिकायत की, एसपी शिकायत की, तो उन्होंने आकर जांच की और जांच में मेरी जांच को उन्होंने सही माना और सही मान करके वो जो सुरक्षाकर्मी थे उनको भी वहाँ से हटाया और पीठासीन अधिकारी थे उनको भी वहाँ से हटा करके दूसरे पीठासीन अधिकारी और सुरक्षाकर्मी जवान वहाँ तैनात किए। भविष्य में सर महिलाओं के साथ इस तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं हो, इसके लिए आप आगे क्या कदम बढ़ाएंगे? मैं तो हमेशा महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। आपको पता होगा कि जब विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष था और फिजिकल कॉलेज जोधपुर में हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ और उनके साथ घिनौना कृत्य किया गया था, तब भी हमने वहाँ 15 दिन आंदोलन करके और उस महाविद्यालय के प्रिंसिपल और दो और जो शारीरिक शिक्षक थे उनको सरकार से नौकरी से बर्खास्त कराया था और उनको न्याय दिलाया था। तो हमेशा हमारी बहन बेटियों का सम्मान हो और उनकी इज्जत आबरू का सम्मान हो, हम उनके उसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और उनके पैरोकारी करते रहे हैं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे। इसमें सर दो प्रकरण आ रहे हैं, एक तरफ जहां प्रशासन आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए भी आवाज़ उठ रही है, तो क्या आप निर्वाचन आयोग से या इस तरह की मांग रखेंगे कि आगे भविष्य में महिलाओं की जांच के लिए, सुरक्षा के लिए जहां वीआईपी मूवमेंट होता है वहां पे कम से कम महिला सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती की जाए, जिस तरह बड़े हवाई अड्डों पर की जाती है? क्षेत्र की जो महिलाएं हैं और जिनके घूंघट उठाए गए थे वो तो वही शिकायत दर्ज कराएगी और वो जब शिकायत दर्ज कराएगी तो हम उनके न्याय के लिए बात करेंगे, नंबर वन। दूसरा, जिस प्रकार से मैं ही सोचता हूँ कि अगर हमारे खिलाफ कोई प्रकरण आया है तो जांच के लिए 189 में मामली रपट दर्ज हुई है, उसकी जांच हो रही है। मैं कह रहा हूँ जांच होनी भी चाहिए, जो गलत है उसके लिए जो न्यायोचित है वो होना चाहिए।